बहन जी आप संभालिए अपने आप को, अक्षय को कुछ नहीं होगा। अगर आप ही ऐसा करेंगी तो मासूमा और ममता का क्या होगा? दमयंती, वंदना जी बिल्कुल ठीक कह रही है, संभालो अपने आप को, देखना अक्षय को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, माता जी हमारे अक्षय को कुछ नहीं होने देगी, अक्षय जरूर वापस आएगा। ममता बेटा, ममता बाबूजी, ममता फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंसान अस्पताल में था वो अक्षय नहीं था। देखा माँ जी, मैं कहती थी ना मेरे अक्षय को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, वो एकदम ठीक है। हे माँ, आपने मेरी सुन ली, पर बाबूजी अक्षय है कहाँ पर? बेटा अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। माँ तूने मेरी सुन ली, मुझे पूरा विश्वास है अक्षय जहां कहीं भी है सही सलामत है। मैं माँ के पुराने वाले मंदिर में जाकर माथा टेक कर आती हूँ। इधर सफेद साड़ी मेरे हाथ में और इधर इधर ये खबर, सारी मेहनत बेकार हो गई। मिस्टर अनंत, अरे इंस्पेक्टर साहब आप? जी हमें आपसे बात करनी है। जी कहिए। आइए हमारे साथ आइए। चलो सर। हमारी सर्च टीम जब घाटी में सर्च कर रही थी तो उनको ये सब सामान मिला है, आप देख लीजिए कि इनमें से कुछ सामान शायद आपके बेटे का भी हो सकता है। हवलदार, बाबूजी ये सब तो अक्षय का सामान है, और ये घड़ी तो मैंने अक्षय को दी थी बाबूजी, मैंने दी थी उसे घड़ी। मुझे याद है कि ये शर्ट अक्षय ने पूना जाते वक्त पहनी थी। सॉरी टू से, अगर ये सामान आपके बेटे का है तो मेरे ख्याल से उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। What do you mean, Inspector? आप कहना क्या चाहते हो? I'm sorry, Mr. Sid. ये सामान देखकर तो ये लगता है कि मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव इज नो मोर। मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव इज नो मोर। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं, मेरा अक्षय। बाबूजी संभालिए अपने आप को। करें चलो अंदर। अब
जी संभालिए अपने आप को, संभालिए बाबूजी। पापा जी, वो बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा? करण तू ही बता दे बेटा, क्या कहा पुलिस ने? मामा क्या हमारा अक्षय? क्या से बेटा तुम बताओ, क्या कह रहे हैं पुलिस? माँ, पुलिस वालों को अक्षय भैया का ये सामान मिला। अक्षय को भी ढूंढ निकालेंगे ना? नहीं मां, नहीं। उनका कहना है कि अक्षय भैया आप समझ तो नहीं। तुम्हें ठीक नहीं, हमारा अक्षय अब इस दुनिया में नहीं, राव में छोड़ कर चला गया। बाबूजी, पापा, नहीं, मेरे अक्षय को कुछ नहीं हुआ, नहीं। संभालो, संभालो अपने आप को। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? बोलिए ना माँ जी, माँ जी। मासूमा, अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं रहा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही से, अक्षय जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, समझे तुम? मामा, करण, करण जरा पानी ला दो। मां, मासूमा, डॉक्टर साहब। माँ जी, ये सच नहीं है माँ जी, अक्षय को कुछ नहीं हुआ,
वो एकदम ठीक है। दमयंती, अक्षय आ गया। माँ जी अक्षय जरूर लौटेंगे। माँ जी वो बिल्कुल ठीक है। पापा अक्षय भैया हमको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। पापा नहीं जा सकते। बाबूजी अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। बाबूजी प्लीज, आप सुन रहे हैं ना बाबूजी अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। आप मेरा यकीन कीजिए। करण बाबूजी को बताओ, अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। मैडम, हम आपका दर्द समझते हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि मिस्टर अक्षय मेरे अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ ने कुछ नहीं हुआ, समझे आप? मिस्टर अनंत, आप प्लीज इनको वो सबूत दिखाइए। बेटा ये सच कह रहा, ये सब सामान अक्षय का ही है। आप जाइए। ओके। ममता, इंस्पेक्टर का कहना है कि उनको अक्षय की लाश नहीं मिली। पुणे से आते वक्त एक आदमी ने अक्षय से लिफ्ट मांगी थी। उस मरते आदमी ने कहा कि अक्षय के कार का टायर बर्स्ट होने के कारण अक्षय कार में गिर पड़ा। पुलिस अक्षय को ढूंढने गई थी लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। मिला तो ये इसका सामान। ममता, अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्ध, इसका मतलब है कि अक्षय जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ममता, अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्ध, अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे कहे ना कि अक्षय गुजर गए तो मैं यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं अक्षय मुझे और कृष को इस तरह छोड़कर। कृष पापा आते ही होंगे बेटा, पापा आते ही होंगे और पापा जरूर आएंगे। पापा ने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि वो तुम्हारे साथ बॉल खेलेंगे, प्रॉमिस किया था ना, तो वो जरूर आएंगे कृष, वो जरूर आएंगे। चलो ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं ना, अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। माना उनका एक्सीडेंट हुआ होगा, वो उन्हें चोट भी लगी होगी, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सामान भी उनका है, मैं ये भी मानती हूँ, पर मेरा दिल कहता है उनको कुछ नहीं हुआ। मेरी आत्मा गवाह है। माँ जी सुनिए। ममता नहीं दीदी, मुझे संभालने दो उसे अब। माँ जी आप क्यों रो रही हैं? माँ जी आप रो क्यों रही हैं? माँ जी आप मत रोइए, अक्षय एकदम ठीक है। मैं कह रही हूं ना, आप मेरा यकीन कीजिए।
मासूमा, ममता कहाँ है? उस बेचारी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। बेटा देखो तो, वो कहाँ है, कैसी है? भाभी, पता नहीं भाभी कहाँ है। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं अक्षय से बात कर सकती हूँ? अक्षय जी, अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप कौन? बस बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। अब जब पापा वापस आएंगे ना, वही तुम्हारे साथ खेलेंगे। पर पापा अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चलो कमरे में चलते हैं, तुम वहीं पर खेलना। हाँ देखो, मासूमा बुआ भी आ गई। मासूमा इसे समझाओ ना, मैं इसके साथ खेल खेल कर थक गई। अब इसे बताओ कि अपने पापा के साथ ही खेले। भाभी भाभी प्लीज अपने आप को संभालिए और सच्चाई का सामना कीजिए। चलिए, वहां सब आपका इंतजार कर रहे हैं। भैया के अंतिम रस्मों में आपका होना बहुत जरूरी है भाभी। मासूमा, अंतिम रस्में उनकी मनाई जाती है जो मर जाते हैं। तुम्हारे भैया मरे नहीं है, वो तो जिंदा है। भाभी प्लीज। मासूमा, तुम लोगों की जो भी मर्जी है तुम लोग करो, पर मैं इन झूठी रस्मों में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अक्षय को कुछ नहीं हुआ है। भाभी भाभी, मैं जानती हूँ आप भैया से बहुत प्यार करती हैं। शायद ही आपका प्यार ही है जो आपको उम्मीद दे रहा है। नहीं नहीं मासूमा, ये मेरी उम्मीद नहीं है, मेरा यकीन है। भाभी, आपके इस यकीन का कोई सबूत तो होना चाहिए ना। भाभी आप जानती है ना, अक्षय भैया का कोई पता नहीं है, उनके जिंदा होने का भी तो सबूत नहीं है ना। मासूमा, तो तुम्हारे पास कोई सबूत है उनके ना जिंदा होने का? तो फिर अपने यकीन के आगे मैं तुम्हारे इस अंदाजे को सच कैसे मान लूं? मासूमा, तुम लोगों की जो भी मर्जी है तुम लोग करो, पर मैं इन झूठी रस्मों में शामिल नहीं होंगी, हरगिज नहीं। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो ममता? अरे हम भी चाहते हैं कि अक्षय हमारे बीच हो, लेकिन ममता, जिस आदमी की मौत हो जाती है वो दोबारा हमारे बीच नहीं आता, वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। ममता, तुम तो अक्षय के दोस्त हो ना, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? ममता, हकीकत तो ये है कि अक्षय मर चुका है। ममता, मर चुका है अक्षय। नहीं, एक बार इस घर के बड़ों के लिए अंदर आ जाओ। अरे अंदर आकर तो देखो माजी और बाबूजी का क्या हाल है। तुम्हें अक्षय की कसम, तुम्हें अक्षय की कसम।